हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड खजाना में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और आपके अपने चैनल इंडियन फूड खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास, बहुत ही फ़ायदेमंद। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर हैं, खून की कमी है, थकान कमज़ोरी रहती है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, भयंकर सर में दर्द हो रहा हो, तो इन सभी परेशानियों का इलाज ये रेसिपी तो इन सर्दियों में ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हज़ारों फ़ायदे वाली सर्दियों की खास रेसिपी, रोज़ एक कटोरी इसे खा लो, ज़िंदगी भर हड्डियां मजबूत रहेंगी, थकान कमज़ोरी जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना जो है इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले सारी सामग्री जो है इकट्ठी कर ली है, तो जो जो हमने इसमें हर चीज़ डालनी है वो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, हमने सारी ही सामग्री जो है वो एक जगह पे इकट्ठी कर ली है। तो चलिए अब हम बनाना जो है स्टार्ट करेंगे। पहले ये देख लीजिए आप, उसके बाद हमने देखिए कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा घी है अच्छे से गर्म हो गया है, सबसे पहले हमने इसमें बेसन ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी लंग्स ना बने, और बेसन को हमने चलाते रहना है। ये एकदम बढ़िया तरीके से इसको चलाना है। तो देखिए, अब हमने इसको हल्के हल्के हाथों से चला रहे हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें घी भी ऐड करना है। ये देखिए, अब हमारा जो बेसन है इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि किसी भी प्रकार के इसमें लंग्स ना बने, और बीच में थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें घी ऐड करना है और इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन है ये देखिए, अब इसमें अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब हमने घी इसमें नहीं डालना है और इसको चलाते रहना है। दूसरी साइड हमने इसमें एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने अलसी को रोस्ट करना है। ये देखिए, ड्राई ही रोस्ट करना है, इसमें घी नहीं डालना है अभी। तो ये देखिए, हमारी जो अलसी है वो रोस्ट हो गई है, एक प्लेट में उसे निकाल लेना है और उसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अलसी है वो हमने ग्राइंड कर ली है और एक प्लेट में हमने उसे निकाल दिया है। तो चलिए, अब हमने दूसरी साइड जो हमारा बेसन है वो देखिए बिल्कुल पतला पतला और अच्छा मतलब हो गया है। अब हमने इसमें इसको अच्छे से पकाना है और ये देखना है कि जब हमारा जो बेसन है वो इसका रंग जो है थोड़ा सा देखिए लाल लाल सा कलर हो गया है, इसका ब्राउन सा, तो ये देखना है कि ये हमारा बेसन जो है वो अच्छे से पक गया है। इसके बाद हमने ये देखिए, हमारा जो बेसन है बिल्कुल पूरी तरह से पक चुका है, कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। और एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हमने चीनी ऐड करनी है, चीनी का हमने बुरादा लिया हुआ है, तो उसमें
हमने चीनी को ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको अच्छे से हमने ये जो छोटे छोटे से बने हैं लम्स, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये देख सकते हैं आप। अब जो हमारी चीनी है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं बचे हैं, जैसे लम्स बनते हैं छोटे छोटे गुठलियाँ सी बनती हैं वो नहीं बनी है, बिल्कुल अच्छी सी परत जो है वो लग चुकी है। उसमें हमने अब बेसन को ऐड कर देना है, थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि बहुत ही गर्म होता है ये, तो बेसन को हमने इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए हमने अच्छे से इसको इसमें ऐड कर दिया है। दूसरी साइड हमने फिर से कढ़ाई में घी ऐड किया है, अच्छे से इसको मिक्स और मेल्ट होने दें ताकि हमारा जो घी है अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें जो है मूंग का आटा इसमें ऐड किया है, और ये देखिए हमने अब इसमें मूंगी का आटा जो है वो ऐड कर दिया है। जिस तरह से हमने बेसन को ऐड किया था उसी तरह से हमने मूंगी के आटे को ऐड किया है, और अच्छे से इसको भी हमने उसी तरह से पकाना है। इसमें भी हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी गुठलियाँ ना बने, ये देखिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें घी ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इसमें घी ऐड कर दिया है, ये देखिए। इकट्ठा इसको करते रहना है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमने घी ऐड करते रहना है। तो देखिए हमारा जो मूंगी का आटा है, देखिए कितना अच्छा पतला पतला सा हो गया है, बिल्कुल ही गुठलियाँ नहीं बनी हैं इसमें। और इसको चलाते रहना है जब तक कि हमारा जो ये है मूंग का आटा है वो अच्छी तरह से पक ना जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और ये देखिए हमारा जो मूंगी का आटा है वो अच्छी तरह से बिल्कुल तरीके से पक गया है, और इसके ऊपर हमने इसको ऐड कर देना है। बहुत ही सही तरीके से आप ऐड करें, बहुत गर्म होता है तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है आपने। ये देखिए अब इसमें हमने ऐड इसको कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड किया है, उसमें हमने ये मगज है इसको रोस्ट करेंगे। अब मगज को हमने अच्छे से रोस्ट करना है, ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है जब तक कि हमारे मगज हैं वो पक ना जाए, थोड़े से हल्के से लाइट ब्राउन ही करने हैं, जलाना नहीं है इनको, हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने इनको निकाल लिया है। इसके बाद हमने चार गूंद बोलते हैं इसको हमने रोस्ट करना है घी में। तो देखिए अब हमने इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से पकाना है, ये देखिए हमारा जो चार गूंद है ये पक चुका है, इसकी बहुत ही अच्छी फुलियाँ फुलियाँ सी हो गई हैं, ये देखिए। और इसको अब हमने एक बर्तन में निकाल लेना है, थोड़ा सा रह गया है इसमें फूलने के लिए, तो उसको थोड़ा सा चलाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे जो गूंद चार गूंद हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। जो हमारे मगज हैं उनको हमने अच्छे से पीस लेना है,
ग्राइंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हमने ग्राइंड जो है कर लिया है। अब उसी में हमने इसको अच्छे से सारा ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए आप, अब हमने इसको अच्छे से, हमारा जो मगज़ है वो हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। जहाँ पे हमने बाकी सामान ऐड किया था वहीं पे हमने जो मगज़ हैं उनको ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हमने ये जो हमारा गूंद कतीरा है जी, उसको हमने ग्राइंड करना है जी। इसको गूंद कतीरा ही बोलते हैं। तो गूंद कतीरा को हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हमने ये खसखस ली है। तो खसखस जो है हमारी, उसको हमने ऐसे ही पीस लेना है, ऐसे ही इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसमें कढ़ाई में घी लिया है। अच्छे से इसको मेल्ट होने दें। जो हमने अलसी जो है हमने पीसी थी उसको घी में पकाएंगे अच्छी से तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अलसी को घी में अच्छे से पकाना है। ये देखिए, उसके बाद एक साइड में हमने घी में सूजी को पकाना है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो अलसी है वो पक के तैयार हो गई है और हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा घी लें और हमने घी में जो हमारे मखाने हैं उनको हमने रोस्ट करना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से उसको चलाइए। तो देखिए, अब जो हमारे मखाने हैं उनको हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो एक प्लेट में उन्हें निकाल देंगे। दूसरी साइड हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है पक के। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लाइट ब्राउन सी हो गई है। बहुत अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही प्यारा सा कलर है। कि देखिए, अब हमने सूजी को भी इसमें ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। उसके बाद हमने जो मखाने हैं हमारे उनको भी हमने बारी बारी करके ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा करके। ये देखिए, हमने मखाने जो हैं वो भी हमने ग्राइंड कर लिए हैं। फिर से कढ़ाई में हमने घी ऐड करना है। उसके बाद हमारा घी गर्म हो गया है तो हमने इसमें बादाम ऐड करने हैं। बादाम को हमने अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारे बादाम हैं वो हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। एक प्लेट में उनको निकाल देना है। इसके बाद ये हमारी जो कमरकस है उसको हमने इसमें रोस्ट करना है घी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कमरकस है वो बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब जो है इसमें हमने ये गरी का बुरादा है उसमें ऐड कर दिया है, गरी का बुरादा। तो इसके बाद हमने काजू को इसमें ग्राइंड किया है, पीस लिया है अच्छे तरीके से, वो भी हम ये देखिए उसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हमने जो हमारे बादाम थे उनको भी हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने ग्राइंड करके उसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारी जो कमरकस है उसको भी हमने ग्राइंड करेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने इसको भी ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको हमने सारी जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है
अच्छे से सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देख सकते हैं आप, अभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। सर्दियों की बिल्कुल ख़ास ये जो रेसिपी है। उसके बाद देखिए, हमने इसके ऊपर जो चीनी का बुरादा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनती है। हमारे यहाँ पे इसको पंजीरी बोलते हैं और बहुत ताकतवर होती है, बहुत ही अच्छी होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। उसके बाद हमने जो हमारी किशमिश थी वो भी हमने इसमें ऐड कर ली है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी हमने इसको ऐड किया है। और अच्छे से इसको हमने इकट्ठा करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए आप, अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सारे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी जो पंजीरी है बनके बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। प्लीज़ दोस्तों, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।